बोधगया सांस्कृतिक केंद्र में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री संतोष कुमार सुमन, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण मंडल, नंदलाल मांझी समेत अन्य लोग मौजूद थे। माउंटेन मैन की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए गए, वहीं उनकी राह पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सभी दलों के लोग मिलकर माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। दशरथ मांझी बहुत बड़े शख्सियत थे। आइए देखते हैं क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। हो रहा था 5000 या 2000 वाला था, वहाँ भी कहीं की होगा, और रात के रात जब डिसीजन लिया तो ऊपर गया, वो भी भर गया, बैठने का जगह नहीं था। वैसे यहाँ पर छोटा सा जगह है, तो हम लोग के लिए ये सोचना चाहिए। धन्यवाद देते हैं हम समाज का, पहले के लोगों का, हम लोगों का, कि जहाँ कहीं भी हो लोग जुट जाते हैं, और एक जो जुट जाते हैं यही ताकत है हम लोगों की, और इस ताकत के आधार पर समाज के लिए जो करना होगा। अभी हमारे विकास मित्र बोल रहे थे, टोला सेवक बोल रहे थे, अरे बाबू किसने टोला सेवक बनाया, किसने विकास मित्र बनाया, हम लोग तो सब कुछ कर दिया था। विकास मित्र को 25,000 रुपया और टोला सेवक को 20,000 रुपया, 60 साल का सर्विस और जो भी सर्विस करने की जरूरत है सब। लेकिन हम तो चूंकि बने नहीं थे, हम तो बनाए गए थे, जो कान पकड़ के हमको निकाल दिया गया, उसके बाद क्या हमारी बात आ जाएगी। आज तुम बनो, आओ गांधी मैदान में, 1-2 लाख आदमी जुटेंगे, बुलाएंगे नीतीश कुमार को और कहेंगे कि देखिए इसमें विकास मित्र हैं, देखिए इसमें हमारे टोला सेवक हैं, आशा है, ममता है, ये सब लोग गरीब तबके के लोग हैं, इनको नियमितीकरण कीजिए, वेतन मान दीजिए, और नहीं तो हम लोग हल्ला होने भी तरह के संगठन लोग चला रहे हैं, उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कीजिए। सारा सुविधा मुहैया मैं कराने का कोशिश करूंगा, और वहां से जो बात निकलेगी, वहां से जो बात, जितने भी साथी लोग यहां पर जैसे दूसरे प्रदेशों से भी आए हुए हैं, उन सबको बुलाइए, ज्यादा संख्या में नहीं, हम 50-100 की संख्या में एक पावर कमेटी को बुलाइए, जिसको पावर कमेटी कहते हैं, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, जिसको मेंटोर हम बोलते हैं, उन लोगों को बुला करके एक निर्णय ले लीजिए और एक नया नाम दे दीजिए, उसी से संगठन को चालू कर दीजिए। उसमें देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जाग चुके हैं, आप में इतनी क्षमता हो गई है कि आप लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको हथियार की जरूरत है, और संगठन आपके लिए हथियार का काम करेगा, इसलिए हथियार जल्दी हासिल कर लो, क्योंकि लड़ाई अभी बहुत दूर है, लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई तुरंत लड़नी है, इसलिए हम लोग को करना चाहिए। जहां तक बाबा दशरथ मांझी जी को, हम लोग को भारत रत्न की बात है, एक हस्ताक्षर अभियान हम लोग को शुरू करना चाहिए, और जब संगठन आप बनाते हैं उस माध्यम से लाखों लोगों का, जितनी हमारी जनसंख्या है, सब घर घर में जाकर उनका हस्ताक्षर कीजिए। ताल कटोरा स्टेडियम में हम भर करके वहां सभा करेंगे, और माननीय जो हमारे महामहिम है राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से हम लोग मिल करके ये वचन मैं देता हूँ कि समय मैं दिलाने का आप लोग का काम करूंगा, क्योंकि अगर आपका साथ है, आपका विश्वास है, तो समय कोई भी देगा, क्योंकि लोकतंत्र में लोग की ताकत होती है, लोगों की ताकत होती है, किसी और की ताकत नहीं होती। जब तालकटोरा स्टेडियम को आप भर देंगे, 10,000 आदमी वहां से बोलेगा, तो समय निश्चित मिलेगा, और निश्चित तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो सफल भी होंगे। इसी साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हम सबको अब एक हो जाना चाहिए। हम हो गए हैं, जितने भी साथी हैं सबको मिलजुल करके किसी को भी लीड करना होगा। एक नारायण मांझी, राम स्नेही मांझी, जिनको समाज में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बाहर, इन्होंने एक पहल किया है, सब पहल कर रहे हैं। आपका क्रांति, विनोद क्रांति हैं, आपके गोपाल जी हैं, सब देखिए अलग संगठन चला रहे हैं, पटना के लोग हैं वो अलग संगठन चला रहे हैं। मेरी सबसे एक मदर संगठन जिसको कहते हैं, सब संगठनों से मिलकर एक संगठन बनता है जिसको मदर संगठन कहते हैं, उस मदर संगठन को हम लोग को करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतिहास के कुछ बातों को बताना चाहता हूं आपको, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। आप जब संगठन, जब जनगणना होने की बात आई थी 1901 में, उस समय रिजले जो थे वो ऐसे जातियों और समूहों को चिन्हित करने लगे, कोई